आपको देखना है कि इनको देखना है। ओके ओके वेडिंग जंक्शन शो के मौके पर हम सभी यहां प्रेजेंट हैं। हमने एक ब्यूटीफुल आपका रैंप वॉक भी देखा। बिल्कुल बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड रैंप वॉक के पहले कुछ नर्वसनेस होती है स्वरा की? देखिए मुझे हमेशा स्टेज पे जाने से पहले बहुत डर लगता है और मेरे आसपास भटकना खतरे से खाली नहीं होता, जैसे कि मेरी टीम को अच्छे से पता है। अभी मैंने स्क्रैच किया अपने एक अपनी हेयर स्टाइलिस्ट को जस्ट बिफोर द शो। मुझे बहुत डर लगता है बिकॉज आई एम नॉट अ मॉडल एंड आई डोंट नो हाउ मॉडल्स डू इट, हाउ दे इतने आराम से चलते हैं वो रैंप पे और इतने कूल लगते हैं और इतने मतलब ईज के साथ करते हैं, और मेरे से तो हील ही नहीं संभाले जाते और इतने भारी कपड़े। बट लकीली अब मैं कम से कम हील में सीधा चलना सीख गई हूँ और इसलिए बेचारे रिचा मलकानी जैसे अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स बेचारे दे देते हैं हमें मौका अपने कपड़ों में वॉक करने का। सो इट्स ऑलवेज नाइस, इट्स आई थिंक कि यू नो हर लड़की को अच्छा लगता है थोड़ा ड्रेसअप करना, एंड जब आपके पास एक पूरी टीम हो जो आपकी मदद करी है सुंदर लगने में तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सो आई थिंक इन दैट सेंस आई एम वेरी लकी बिकॉज आई एम श्योर अगर आप मुझे अकेले खुद पे छोड़ देते तो मैं कतई ऐसे नहीं लग पाती। ओके मैम, आपके ड्रेस के बारे में अगर कुछ बता सके आप? मेरा ये ड्रेस जो बहुत ही सुंदर है लेकिन काफ़ी भारी भी है, ये रिचा मलकानी के इंचांटेड ऑटम कलेक्शन का शो स्टॉपिंग ड्रेस है एंड इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ऑफकोर्स ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं, लहंगा है, चोली है, बट आई थिंक कि इसमें एक कंटेम्प्रेरी वाइब भी है और इसलिए हमने एक दुपट्टा बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, आपने कभी किसी ब्राइड को ये कलाई पे दुपट्टा रखते हुए नहीं देखा होगा। सो इट्स अ नाइस, आई थिंक इट्स अ नाइस टच, एक वेस्टर्न ऑलमोस्ट वाइब भी है, एक वेल टाइप फीलिंग लेकिन जो हमने रिस्ट पे बांधी है, एंड आप देख सकते हैं कि जो हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। सो रियली यंग फन आई थिंक वाइब एंड हर होल कलेक्शन इज लाइक दैट, तो हाँ अच्छा लगता है। वन फैशन ट्रेंड फ्रॉम द प्रेजेंट, लेदर? What, any reason? I it's hot and it's uncomfortable and it's अगर real leather है तो वो एक मरा हुआ जानवर है आपके ऊपर, and also fur. खैर fur तो I think अब real fur को use नहीं करता, but like मतलब एक बार मैंने अपने life में एक real fur का कुछ ऐसे muffler छुआ था ना, like कोई बेचारा मरा हुआ जानवर, so yeah that. And इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपकी web series भी आ रही है, जी मेरी एक नहीं मेरी दो वेब सीरीज आ रही हैं, इट्स नॉट दैट सिंपल, वूट के लिए सीजन टू जिसका सीजन वन मैंने पिछले साल किया था, सो मैं आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट, एंड इसके अलावा रस भरी करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है जो कि मैंने अपलॉज एंटरटेनमेंट के लिए किया है, जिसमें मैं खुद नहीं सोच सकती थी ऐसा कैरेक्टर है वो, सो आई एम एक्साइटेड एंड वेरी नर्वस अबाउट दैट, एंड देन ऑफकोर्स आई एम स्टार्टिंग अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज एट द एंड ऑफ द ईयर जिसमें मैं एक कॉप प्ले करूंगी और मुझे मराठी सीखनी होगी, सो दैट्स अ चैलेंज एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट, क्योंकि इतने सालों बॉम्बे में रह के अभी मैं फर्स्ट टाइम ऐसे प्रॉपरली मराठी सीखूंगी, सो या ओके सर। मैम लास्टली अब आप मेंबर बन चुके हैं सिंटा की, सुशांत सिंह? नहीं सिंटा की मैं हमेशा से मेंबर थी, सिंटा हर एक्टर को 3 साल पहले तक अगर एक्टिंग करनी है तो आपको सिंटा का मेंबर होना होता है, सो आई एम अ मेंबर ऑफ सिंटा, आई वाज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ सिंटा। ओके बट उसके साथ आपको एक जिम्मेदारी भी दी गई है जो मी टू की मूवमेंट चल रही है हमारे जो बॉलीवुड में, स्पेशली आपको मींस रखा गया है, क्या आप उसके ऊपर जांच करेगी और नहीं? सो एक्चुअली वो थोड़ा गलत रिपोर्ट हुआ है, मैं वो कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक सब कमेटी का हिस्सा हूँ जो जो कि खास करके सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस वर्कशॉप कराने वाले हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस इस मुद्दे पे, और हमारी कोशिश होने वाली है कि हम सारे यूनियंस के साथ काम करें, हमारी इंडस्ट्री में 24 यूनियन हैं, 5 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप है उन यूनियंस की, सो आई थिंक कि किसी भी जो भी सामाजिक अवगुण होता है या सामाजिक कोई भी बीमारी होती है, और अगर आप मी टू की कहानियाँ सुने तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस एक एपिडेमिक जैसी चीज़ है, वो एक बीमारी ऑलमोस्ट लगती है, सो अवेयरनेस पहली चीज़ होती है, सो आई थिंक दैट दैट इज़ माय गोइंग टू बी माय अटेम्प्ट कि अवेयरनेस बढ़ाना। ओके लास्ट दिवाली प्लानिंग? हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दिवाली के बारे में, क्योंकि दिवाली इस बार मैं दिल्ली जा रही हूँ बहुत दिनों बाद, घर पे अपने मम्मी पापा और मेरे भाई की शादी हुई है इस साल, तो हमारी भाभी को भी की पहली दिवाली है घर पे, सो हम घर पे मना रहे हैं दिल्ली में, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर मैं रिचा मलकानी जी के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिवाली सेलिब्रेट करूँगी। सभी दर्शकों को हाय, मैं स्वरा भास्कर और आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से वेरी 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 हैप्पी दिवाली।